की वीडियो में बात करेंगे हैबिट नंबर 3 की, जो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिसका सेंस होता है फॉलो योर प्रायोरिटीज। तो इसके लिया गया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से, और इसके राइटर स्टीफन कोवी। तो इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है। तो इसमें बताया गया कि हम पास बहुत सारे वर्क होते करने को, और हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, क्या क्या काम हमें करना है, उस चीज़ को हम फॉलो करें जिस वजह से हमारा काम अकम्प्लिश हो सके। पहले हमारे पास एक इंसान है, ठीक है, उसके पास एक काम है करने को, ठीक है, वो घर पे पड़ा रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और है जो कि उसके पास 5 काम होते करने को, और वो चीज़ कर लेती है, और वो इंसान वो काम नहीं कर पाता है। सिर्फ रीज़न ये कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक अवर सेल्फ यानी कि मैनेजमेंट ऑफ अवर सेल्फ भी बहुत ज़रूरी है। हम टाइम मैनेजमेंट देखते हैं कि ये है टाइम करना है, बट हमें खुद को कैसे मैनेज करके उस काम को कंप्लीट करना है वो प्रोडक्टिविटी के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको जो इंसान है उसके वो 5 काम कर भी लेगी, साथ साथ में उसके पास टाइम भी बचेगा। और जो पहला इंसान है उसके पास वो 24 घंटे वो अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देगा, और वो अपना जो भी एक काम है वो भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो हमें ये चीज़ समझ लगे हमारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की, हमें वो चीज़ करनी क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए प्लानर्स रखते हैं जो कि उनको याद दिलाते हैं कि हेल्प करते हैं कि ये काम है। कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, जिस वजह से उनका जो काम है पूरी तरीके से हो पाए। और ये जो प्रायोरिटीज़ होती हैं जब हम सेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये क्या होता है हमारा डिसिप्लिन बढ़ाते हैं। वेल कैसे, जैसे कि हम अब क्या करते हैं, अब सो के उठिए, ठीक है, अब एक जगह लिख लो कि हमें ये काम करना है, और हमें क्या क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको हटाना है। तो फ़ोन के नोटिफिकेशन जो कुछ भी उसको हटा के वो काम पहले करना है। जब हम ये चीज़ सेट कर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, और हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसे करने से क्या होता है, हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, और ये चीज़ हमें मोटिवेट करता है, और ये हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसे बनाए रखता है। तो ये रही बात प्रायोरिटीज़ की। वेल और जब हम प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में एक प्रॉब्लम भी आ रही होती है, हम अपनी प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक वो प्रॉब्लम ये होती है, वो है यस कहने की आदत। जी हाँ, हमेशा यस कहते रहने से हम अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाते, और किसी और का काम है कोई और काम करने लग जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे क्लास में एक लड़की थी जो थी टॉपर थी, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट आती थी, और वो क्लास की मॉनिटर भी थी, और टीचर जो भी उससे काम कहते थे वो हमेशा वो यस कहती थी। उससे कहते थे टीचर की ब्लैक बोर्ड साफ़ कर दो, कॉपी स्टाफ रूम से ले आओ, ले जाओ, और बच्चों को बांट दो, और जो भी काम थी वो हमेशा यस कहती थी, क्योंकि वो क्लास की मॉनिटर भी थी और हमेशा टॉप भी करती थी। तो उसकी जो इमेज थी क्लास में काफ़ी अच्छी थी। तो उसी के साथ क्या होता है कि जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो टीचर उससे कहते हैं कि जाओ जाके ये सिर्फ वो दे आओ जाके क्लास में, कुछ पेपर दे आओ कुछ ये सब। तो इस वजह इस चक्कर में उसका क्या हुआ, कुछ पेपर छूट गया था, ठीक है, एग्जामिनेशन छूट गया था, क्योंकि इस वजह छूट गया क्योंकि उसने वो सिर्फ यस कहा था। वो उसकी जगह नो भी कह सकती थी, बट उसने यस कहा, और हमेशा मतलब सबके सामने बने रहती। तो ये भी एक ख़राब चीज़ है कि हम समय यस कहते रहना। हम टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमें नो कहना भी आना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी जो कुछ भी। तो यही समझ में आता है कि हमें अपने आप को कहाँ यस कहना चाहिए, जिस वजह से हम अपना टाइम बचा सकें, अपने आप को मैनेज कर सकें, और कैसे हम अपना जो वर्क हमारा इम्पोर्टेंट वर्क उसे कर सकें। बस उस लड़की का इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उसका एग्ज़ाम देना, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि टीचर की बात सुनना, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ प्रायोरिटीज़ बताती है, ठीक है, और हमेशा यस नहीं कहना चाहिए, ये चीज़ समझ में आएगी। और जब हम प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो हम काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं, और डिसिप्लिन होने की वजह से हमारा मोटिवेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। और यही पावर है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की।